हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रिकें पढ़ेंगे, जिनके हेल्प से हम कैलकुलेशन काफ़ी हद तक स्पीड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर मैथमेटिकल ट्रिकों की, जिसमें हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिकें पढ़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में कभी भी हमें जो टाइम लगता है, जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो हमारा कैलकुलेशन करने में ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना समय बचा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ विशेष यहाँ पर ट्रिकें हैं, जिनको आप यहाँ पर गौर से देखेंगे और समझ सकते हैं। तो देखिए, पहली ट्रिक हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए, हम यहाँ पर दो संख्या वाली गुणा की बात करते हैं। दो संख्याएं हमारी इस तरह की होंगी, जिसमें हमारे दोनों दो अंकों की होंगी, या फिर दो या एक अंक की, अर्थात तीन से कम अंक वाली हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, जब हमें दो संख्याओं का गुणा करना पड़ता है, और यदि दोनों सिंगल डिजिट हैं तो वो काफ़ी आसान होता है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर हमें गुणा करना हो, 3 × 7 करना हो, तो हम सीधे निकाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम नॉर्मली हम यहाँ पर इसको टेबल से ही निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। या फिर दूसरे केस में हमारा एक हमारी डबल डिजिट हो, 2 डिजिट हो, और दूसरा सिंगल डिजिट हो, तब भी हम वहाँ पर उसको आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे हमें यहाँ पर गुणा करना है, तो हम इसको कैसे करते हैं। पहले यहाँ पर 6 गुणा किया, तो जितना भी आया 6 × 3 = 18 आ गया, 18 को यहाँ पर 8 लिख दिया, और जो हासिल आया, हासिल को हमने यहाँ पर आगे लिखा, क्योंकि हमें इसमें जोड़ना पड़ता है, और फिर से 6 × 3 = 18 आ रहा है, तो यहाँ पर 18 लिखा, और यहाँ पर फाइनली 18 × 19 यहाँ पर हो गया हमारा, और 8 पीछे से वैसे आ गया 8, तो यहाँ पे 198 यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। तो इसको भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास केस आता है दोनों डबल डिजिट हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 12 × 34 आ गया। अब देखिए, हम इसको कैसे करते हैं, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 3 पार्टों में लिखेंगे। यहाँ पे एक आपका यहाँ पे पहला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, और एक यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। देखिए, 3 बार इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पे 34, फिर यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पे 34, और फिर यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे 34। तो 3 पार्ट हम आपने लिख दिया। अब देखिए, पहले पार्ट में आप क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, जो फर्स्ट वाले नंबर हैं उनको आपने आपस में गुणा कर दिया। उसके बाद आप सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, अर्थात वज्र गुणा करके उनको जोड़ देंगे आपस में। और तीसरे में आप पीछे वाले नंबरों को गुणा कर देंगे, तो इनको यहाँ गुणा करना है, इनको यहाँ गुणा करना है, और ये वज्र गुणा करना है। अब देखिए, पहले वाले में हमारा क्या आता है, 3 × 1 = 3 आ गया हमारा, और दूसरे वाले में क्या आता है, 1 × 4 हमारा 4 हो गया, और धन 3 × 2 = 6, क्योंकि हमें जोड़ना है, देखिए वज्र गुणा करके, तो ये हमारा आ गया 10 आ गया, और वैसे यहाँ पे 4 × 2 = 8 आ गया। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब देखिए, हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे और यहाँ पे केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए, तो ये हमारी यहाँ पर शर्त होगी, यहाँ पर एक अंक होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक अंक है, ये हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा दो अंक आ गए, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट आ गई, 1 0 और 1 1। तो हम 2 डिजिट आने पर क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी वाली डिजिट है, जो सेकंड वाली डिजिट है, उसको हम उसके फ्रंट वाली डिजिट में ऐड कर देते हैं। फ्रंट में देखिए, 1 का फ्रंट कौन है, 1 के फ्रंट में अभी 3 है, देखिए, क्योंकि जब हम इनको एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, जब हम इनको एक साथ लिखते हैं, जैसे हमारा पहला 3 आया, और यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा वाला, हमारा यहाँ पर 10 आ गया, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, डबल डिजिट है, और एक हमारा लास्ट वाला 8 है। अब देखिए, हमने कहा यहाँ पर जो सेकंड वाली डिजिट है, उसको हम फ्रंट में जो डिजिट होती है उसके उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तो इसको हमने 3 में जोड़ देना है। अब देखिए, हमें क्या मिलता है, 8 की जगह पर 8 आ जाएगा, और 0 की जगह पर 0 आ जाएगा, और 1 + 3 किया जब हमने, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो हमें जो यहाँ पर रिजल्ट मिला फाइनली, वो हमें क्या मिल गया, 408। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनको गुणा करना है। अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर हम लेते हैं 3 5 × 4 4। अब देखिए जब हमें इनको गुणा करना है, अब हम यहाँ पे एक ही जगह भी लिखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब हमें पता लग गया क्या करना है हमें। ये पहला वाला जो हमारा स्टेप है, स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे। पहला वाला स्टेप है इनको आपस में गुणा करना है, और इनको गुणा करके कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 12 आ गया, 12 आ गया। और हमारा सेकेंड वाला स्टेप क्या है, इनको हमें 12 से गुणा करके जोड़ना है, अर्थात यहाँ पे 4 3 12 और प्लस 5 6 20, ये आ गया। और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे थर्ड वाला स्टेप। थर्ड वाले स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है आपस में, तो 5 6 20 यहाँ पर 20 आ गया। अब देखिए ये आपके 3 स्टेप आपने यहाँ पर कर दिए। अब इनको आप क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे तीनों को, अर्थात यहाँ पर हमारा 1 2 आ गया, ब्रैकेट में हमारा 32 आ गया, और यहाँ पर हमारा 20 आ गया। अब देखिए हमारी जो कंडीशन थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पर भी हमारी सिंगल डिजिट होनी चाहिए और यहाँ पर भी हमारी सिंगल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फ्रंट वाला है उसमें ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो टेंस वाला है, टेंस अर्थात जो इकाई का अंक है वो तो आएगा ही, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है वो तो आ जाएगा। अब जो हमारा उसका सेकेंड वाली डिजिट है उसको हम उसके फ्रंट में ऐड कर देंगे, फ्रंट में यहाँ पर 2 है तो 2 + 2 कर देंगे यहाँ पर, देखिए तो 2 + 2 यहाँ पर कर दिया हमने, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप फिलहाल। और वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2 + 2 हो गया। अब हमारा यहाँ पर फिर से 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 3 को भी इसके फ्रंट वाले में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 + 3, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी सिंगल डिजिट होनी चाहिए थी। और 2 + 3 करने के बाद हमारा क्या बचा, 1 बचा, और 1 को आपने ऐसे उतार दिया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पर आपका सिंगल होगी, यहाँ पर सिंगल होगी। अब आप इनको फाइनली लिख देंगे 0 2 + 2 4 हो गया, 2 + 3 यहाँ पर 5 हो गया, और 1 का 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 5 4 0 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1540। तो इस तरीके से हमें करना है, ये दो डिजिट वाले नंबर को गुणा करना होता है। तो अब आप जब क्वेश्चन को करेंगे उस केस में आप और भी इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में इसको निकाल सकते हैं। देखिए अब हम अगली ट्रिक की बात करते हैं। ये हमारा है जब हम किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं, जब हम कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए हमारी ये बेहतरीन ट्रिक है। यहाँ पे इसको हम द अलियन रूल से भी यहाँ पे जानते हैं। देखिए जब आपको किसी भी नंबर को यहाँ पे 11 से गुणा करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पर करना है गुणा 72 × 11 करना है, आप इसमें क्या करते हैं, देखिए जो आपकी फर्स्ट वाली डिजिट है और लास्ट वाली डिजिट है उसको आप वैसे ही उतार देंगे 72, और बीच में आप यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे, और गैप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को ही आप ऐड कर देंगे, अर्थात 7 + 2 कर देंगे। अब आप देखिए क्या आ गया, आपको क्या मिलता है यहाँ पर रिजल्ट, 7 7 + 2 9 हो गया, और 2, अर्थात यहाँ पर 792 आ गया, 792, और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका गुणा करके आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या क्या कुछ भी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको अरेंजमेंट किया और आंसर निकल गया। देखिए और हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पर गुणा करना था 22 25 से × 11, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को पहले यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद बीच में स्पेस छोड़ देंगे, और स्पेस में आप क्या भरेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 5, अर्थात हमारे यहाँ पर मिलता है हमें 2 7 और 5, 275। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का था। और यदि देखिए आपको यहाँ पर हमारी केवल 2 डिजिट थी, अब जब हमारी जब बड़ी डिजिट आती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या फिर जब यहाँ पर आपको 2 डिजिटें मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी केवल सिंगल डिजिट आनी चाहिए ऐड करके। देखिए जब हमारा केस आता है, आप मान लीजिए यहाँ पर हमारा 83 × 11 करना है आपको। अब आप देखिए लास्ट और फर्स्ट वाला तो आपका यहाँ पर 8 और 3 है, लेकिन बीच में आपको क्या मिल रहा है, बीच में आपको मिलता है जब आप 8 + 3 करेंगे तो आपको 11 मिलता है, देखिए और 11 मिलता है। अब आप यहाँ पर बीच में 2 डिजिटें को नहीं रख सकते, क्योंकि
हमारा यहाँ पे केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए, इसमें भी हमारे यहाँ पे रूल होता है, तो सिंगल डिजिट होनी चाहिए। यदि आपकी डबल डिजिट आ गई तो आप फिर से वही करते हैं, इसका जो फ्रंट वाला होता है दूसरी वाली डिजिट का, उसमें उसको ऐड कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8+1 आपका 9 हो गया और 1 3, अर्थात यहाँ पर 913 इसका आंसर आ गया। तो ये ध्यान आपको रखना है, जब यहाँ पे बीच में डबल डिजिट आ जाएंगी तो उसके इसमें आपको दूसरी वाली डिजिट को उसके फ्रंट वाली डिजिट में ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारा इसमें नेक्स्ट वाला केस होता है, 11 का गुणा करने में ही महत्वपूर्ण हमारा केस, जब आपको दो डिजिट से भी अधिक दिए होंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर 3, 2, 3, 4, 5 को गुणा करना है 11 से। अब देखिए आपका यहाँ पर काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन आप इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, जो पहले लास्ट वाली डिजिट है आपको उसको वैसे ही उतार देना है, 5 है तो 5 उतार दिया आपने। और अब क्या करेंगे आप, जो भी आपकी डिजिटें आ रही हैं लगातार उनको जोड़ते जाएंगे, अर्थात यहाँ 5 और 4 यहाँ पर आ रहे हैं एक साथ, तो इनको आपने यहाँ पर जोड़ दिया 4+5। उसके बाद आपकी आ रही है 4 और 3, तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया 3+4, 4+3 आ। और उसके बाद आपकी यहाँ पर आ रही है 3 और 2, तो 2+3 कर दिया आपने। और लास्ट में जो आपके यहाँ पर सिंगल डिजिट है उसको भी आप उतार देंगे अलग से 2, जैसे हमने अभी तक यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाली को तो वैसे ही उतारना है आपको, और बीच वाली सभी डिजिटों को आपस में जोड़ते जाना है इस तरीके से। यहाँ पर इनको इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, तो इस तरह कितने आएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे यहाँ पर स्टेप होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलता है हमें, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 4+3 7 हो गया, और 3+2 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये 2 हो गया। तो 2 5 7 9 5, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया इसका। अब जब आप गुणा करेंगे तो आपको ये इसका रिजल्ट मिलता है। बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। देखिए यहाँ पे एक हम नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर अदर वाला, 3 8 2 और मान लीजिए यहाँ पर आपका है 7, और इसको आपको गुणा करना है 11 से। वही करेंगे आप, पहले लास्ट वाली जो डिजिट है उसको आपने वैसे ही उतार दिया, यहाँ पर 7 आ गई। अब जो आगे वाली है, आगे वाले में क्या करना है, यहाँ पर 7+2 करना है, पहला 7+2 कर दिया आपने, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो फिर 8+2 करना है आपको, 8+2 कर दिया आपने, फिर 3+8 करना है आपको, 3+8 कर दिया आपने, और फिर लास्ट में आपको इसको वैसे ही उतारना है, और इसको आपने वैसे ही उतार दिया 3। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, ये तो 7 हो गया हमारा, 7+2 9 हो गया, 8+2 यहाँ पे देखिए अब 10 मिलता है आपको। इसको आप फिर से ब्रैकेट में रखेंगे, जो आपकी डबल डिजिट आएंगे उनको आप ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर डबल डिजिट नहीं आनी चाहिए, और आ जाती है तो फ्रंट वाले में ऐड करते हैं हम, तो इसलिए फिलहाल आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 10 आ गया, और 8+3 यहाँ भी डबल डिजिट आ गई, 11 आ गया, और यहाँ पर 3। अब देखिए आप जहाँ पर आपको डबल डिजिट दिख रही है उनको आप उनके फ्रंट वाले डिजिट में ऐड कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये यहाँ पे डबल डिजिट है तो इसको आप इसमें ऐड कर देंगे, और ये डबल है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमें रिजल्ट आता है उसको हम लिख ले जाएंगे। देखिए 7 की जगह पर 7 आ गया, 9 की जगह पर 9 आ गया, और 0 की जगह पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1+1 कितना हो गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 3+1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आंसर क्या मिल गया यहाँ पे हमें, फाइनली 4 2 0 9 7, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, केवल यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पर रूल था उसको फॉलो करके हमने इसको निकाला। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी कुछ गुणा करने की मेथड थी, ट्रिकें थी, और भी हम इससे कुछ यहाँ पर बेहतरीन ट्रिकें नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स।